रात का समय था और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। अभी अभी रानो चिड़िया के अंडे से तीसरी बेटी का जन्म हुआ था। उसकी सास तो बहुत गुस्से में थी। जिसका डर था वही हुआ, हो गई तीसरी बेटी भी। अब क्या करूँ मैं इनका? माँ जी, मैं अपनी बेटियों को रूखी सूखी खिलाकर पाल लूंगी, आप पर कोई बोझ नहीं आने दूंगी। कृपया मेरी बेटियों को ना कोसें। मैं अपने घर में तीन तीन बेटियों को नहीं रहने दे सकती। तू तो कर्म फोड़ है, कभी मुझे पोता नहीं दे सकती, इसलिए मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। तू निकल इस घर से। माँ जी कृपया ऐसा ना करें, आपके सिवा मेरा कौन है, मैं किसके सहारे रहूंगी। कृपया मुझे घर से ना निकालें। पति जी आप कुछ कहें, माँ जी को समझाएं। मैं क्या बोलूं, जैसा माँ चाहती है वही होगा। रानो चिड़िया अपनी सास के पैरों में गिर जाती है, मगर मम्मा सास को तो तनिक भी दया नहीं आती। वो रानो और उसकी बेटियों को घर से भगा देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। इधर एक बूढ़ी गाय बारिश में भीग रही थी। वो चिल्ला चिल्ला के अपनी मालकिन को बुला रही थी। मालकिन मुझे ठंड लगी है, तबेले के अंदर ले लें। गाय की मालकिन सब सुन रही थी, बस वो बारिश में भीगना नहीं चाहती थी। वो दूर से बोलती है, अब मैं तुझे बांधने नहीं आऊंगी, चुपचाप वहीं रह, चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब मत कर। मालकिन मुझे ठंड लग रही है, ये बारिश बहुत तेज है, कृपया मुझे तबेले के अंदर ले लें। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इस बारिश को नहीं झेल पाऊंगी। हाँ सही कहा, अब तो बूढ़ी जो हो गई है अब कुछ काम की नहीं, बेकार में ही तेरा खर्चा उठाती हूँ मैं। इतना बोलकर वो गाय के पास आती है। गाय तो खुश हो जाती है, मेरी मालकिन दिल की बुरी नहीं है, वो आ ही गई, अब मुझे अंदर बांध लेगी। गाय तो ऐसे खुश हो रही थी, मगर मालकिन के मन में तो कुछ और ही था। वो गाय के गले से रस्सी निकालती है और उसे भगाते हुए बोलती है, जा जा यहाँ से कहीं दूर चली जा और कभी भी लौट कर मेरे घर मत आना। अपनी बची कुची जिंदगी किसी जंगल में गुजार, मैं तेरा और खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। ना ना मालकिन, आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरा घर यही है, मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा ये तेरा घर है तो मेरा घर कहाँ है, तुम एक जानवर हो, तुम्हारा कोई घर नहीं होता, और मैंने तुझे इतने सालों घर में रखा, अच्छा अच्छा चारा खिलाया, वो कम है। हाँ मालकिन आपने मुझे चारा खिलाया, लेकिन मैंने भी तो आपको भर भर के बाल्टी दूध पिलाया था। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरा क्या दोष। अब सब कुछ बहुत महंगा आता है, मैं क्यों फ्री में खिलाऊं तुझे, अब निकल यहाँ से। फिर गाय की मालकिन बूढ़ी गाय को लाठी से मार मार कर घर से भगा देती है। गाय बेचारी बारिश में धीरे धीरे चल रही थी, तभी एक कसाई की नजर गाय पर जाती है। अरे वाह ये गाय, इसको काट कर मैं खूब पैसे कमाऊंगा, जल्दी इसे अपने घर में बांध लेता हूँ। वो कसाई इंसान जैसे ही गाय के नजदीक जाकर उसे सहलाता है, वो तो तुरंत ही जान जाती है कि ये कोई कसाई है। वो अपनी पूरी जी जान लगा कर वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे गाय रुको रुको, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा चारा खिलाऊंगा, भागो मत मेरे पास आ जाओ, भागो मत मेरे पास आ जाओ। दोस्त दोस्त कसाई, मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी, भाग यहाँ से, तू मुझे काट कर बेच देगा, मैं नहीं रुकूंगी। ऐसे वो गाय तो उस आदमी के हाथ ही नहीं आती। इधर बारिश में रानो चिड़िया अपनी बेटियों के साथ बैठी रो रही थी। मम्मा मम्मा हम बारिश में कब तक रहेंगे, आप घर चलो, और दादी माँ ने हमें घर से क्यों भगाया। मेरी बच्चियों अब वो आपका घर नहीं है, मैं बहुत जल्द आपके रहने के लिए एक घर ढूंढ लूंगी, बस कैसे भी करके ये रात कट जाए, आप मेरे पंखों में छुपी बैठी रहो। फिर बारिश रुक जाती है, रानो अपनी बेटियों को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। सुबह को रानो चिड़िया अपनी आँखें खोलती है तो वही बूढ़ी गाय उनके पास लेटी हुई थी। पानी पानी, मुझे कोई पानी पिला दो, मैं प्यासी हूँ, मैं बहुत प्यासी हूँ। ये तो एक बूढ़ी गाय है, मुझे इसको पानी पिलाना होगा। रुकें गाय जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर रानो तुरंत गाय के लिए पानी लेकर आती है, हरी हरी घास का चारा भी लाती है। बूढ़ी गाय को तो चारा पानी पीकर राहत मिलती है। धन्यवाद चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल से भूखी थी। गाय जी अब आप अपने घर चले जाएं, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरी मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा कोई घर नहीं है। गाय की ये बात सुनने के बाद रानो चिड़िया भी चुप हो जाती है।
वो क्या बोलती, क्योंकि वो तो खुद ही हालातों की मारी थी। अब उसकी तीनों बेटियों को भी भूख लग रही थी। मम्मा मम्मा कुछ खाने को दे दो, हम रात से भूखे हैं। गाय जी, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जाती हूँ, आप कृपया इनके पास रहें, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। चिड़िया तुम बेफिक्र जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। ऐसे चिड़िया भोजन की तलाश को चली जाती है। गाय चिड़िया के बच्चों के पास ही रहती। चिड़िया के बच्चे गाय के साथ बहुत खुश थे, वो कभी उसके ऊपर बैठते। चिड़िया जल्द ही मीठा फल लेकर आ जाती है। ये लो बच्चों, मैं मीठे मीठे अंगूर लाई हूँ, आप खा ले। और गाय जी, ये पौष्टिक घास मैं आपके लिए लाई हूँ, तो आप भी खा ले। इस तरह से वो बूढ़ी गाय और चिड़िया की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। चिड़िया मेहनत करके गाय के लिए छोटा सा घर बनाती है और खुद भी उसी में रहने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज पौष्टिक घास खा खा कर बूढ़ी गाय भी सेहतमंद हो गई थी। छोटी चिड़िया, किसी बर्तन में मेरा दूध निकाल लो, मैं पौष्टिक घास खा खा कर आपको थोड़ा बहुत दूध तो दे ही सकती हूँ। फिर रानो चिड़िया एक बर्तन में दूध निकालती है। बच्चे वो दूध बड़े शौक से पीते हैं और बहुत खुश होते हैं। गाय जी, आप मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं, कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। छोटी चिड़िया, आप भी मेरी कितनी सेवा करती हो, मैं तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह से वो सब बहुत प्यार से रहने लगे थे। एक दिन गाय की मालकिन जंगल से गुजर रही थी, उसकी नजर अपनी गाय पर जाती है। उस समय रानो चिड़िया गाय का दूध निकाल रही थी। ये बूढ़ी गाय तो पहले से ज्यादा मोटी हो गई है और दूध भी दे रही है, मैं अब इसे ले जाती हूँ। फिर वो लालची औरत गाय के पास जाती है और गाय के गले में रस्सी बांधते हुए बोलती है, चलो चलो मेरे साथ, मैं तुझे लेने आई हूँ। नहीं, आपने मुझे बूढ़ी कहकर घर से निकाल दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अब तो यही मेरा घर है। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, मैं तेरी मालकिन हूँ, मार मार के ले जाऊंगी। आप मेरी मालकिन थी, अब नहीं हो, और अब ये चिड़िया ही मेरी मालकिन है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। क्या, ये छोटी चिड़िया तुम्हारी मालकिन है, चुपचाप मेरे साथ चल, वरना ठीक नहीं होगा। देखिए, अब गाय को आपके साथ नहीं जाना तो जिद क्यों कर रही हो, चिड़िया ऐसे बोलती है। लेकिन उस लालची औरत को तो गुस्सा आ रहा था, वो एक डंडा उठाकर चिड़िया को मार देती है। तभी रानो चिड़िया की सास और उसका पति टुन्नो चिड़ा वहाँ आता है। बुरी औरत, तूने मेरी पत्नी को मारा, मैं तुझे बताता हूँ। हाँ बेटे, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, मेरी बहू को मारा। फिर वो दोनों अपनी पैनी पैनी चौंचे लालची औरत के सर पर मारते हैं। वो तो दम दबा के वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर रानो चिड़िया तो हैरान थी। रानो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दो। हाँ रानो बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तेरे जाने के बाद हम माँ बेटों पे एक एक दिन भारी पड़ा, कल तो हम मरते मरते बचे, पूरे घर को आग लग गई थी। अपनी सास की ये बातें सुनकर रानो चिड़िया की तो आंख भर आती है। वो सारे गिले शिकवे भुलाकर उनके साथ लौट जाती है और उस दिन के बाद वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। बूढ़ी गाय को भी एक नया घर मिल गया था, वो तो बहुत खुश थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका धन्यवाद। गौरी कवि अपने अंडे के पास बैठी हुई थी। वो कालू कौवा घर से बाहर गया हुआ था, तभी अंडा टूट जाता है और उसमें से कौवा बेटा बाहर आता है। आ गया मेरा शेर बेटा, आ गया, मैं कब से इंतजार कर रही थी, आजा मेरे बच्चे। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बेटा, तेरा आलसी पापा आज गया है तेरे लिए नरम फल लेने, वो आता ही होगा, घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे गौरी तो कालू के आने का इंतजार करती है, मगर वो माँ थी, अपने छोटे से बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। बेटे, तुम थोड़ी देर रुको, मैं आसपास से कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। फिर गौरी कवि घर से निकलती है। वो फल की खोज करते करते अंजीर के पेड़ के पास पहुँच जाती है, जो कि चील की गुफा के बाहर था। मेरा बच्चा कब से भूखा है, उसके लिए अंजीर ले जाती हूँ, आस पास चील तो नहीं दिख रही, शायद शिकार पे गई होगी। फिर गौरी कवि धीरे धीरे अंजीर के पेड़ पर चली जाती है। उसने अंजीर तोड़ा ही था, तभी पत्तों में छुपी चील उस पर हमला करती है और उसे दबोच लेती है, जान से मारकर खा जाती है। इधर कालू कौवा घर आ गया था। अरे वाह, मेरा बेटा, मेरा बेटा, तेरा नाम
मैं जग्गू रखूंगा। तेरी माँ कहाँ है? पापा मम्मा मेरे लिए फल लेने गई हुई है, बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आई। आ जाएगी, तेरी मम्मा आ जाएगी, ले तब तक ये मीठे मीठे अंगूर खा। अपने बेटे को अंगूर खिलाकर कालू कौवा घर के बाहर गौरी को देखता है, मगर उसे गौरी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। रुको रुको चिड़िया, आपने कहीं गौरी को देखा है? नहीं कालू भैया, मैंने गौरी को कहीं नहीं देखा। लगता है आपके अंडे से बच्चा निकल आया है, आज मुझे छोटे बच्चे की आवाजें सुनाई दी। हाँ बेटा हुआ है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, गौरी पता नहीं कहाँ चली गई। कालू क्या मैं आपके बेटे को देख सकती हूँ? हाँ हाँ चिड़िया क्यों नहीं, आप अंदर चले। कालू आपका बेटा तो बहुत सुंदर है, ये बिल्कुल गौरी पे गया है। चिड़िया तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं गौरी को ढूंढ के लाता हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा गौरी को ढूंढने चला जाता है। उसे अंजीर के पेड़ के नीचे गौरी के पंख फैले हुए दिखाई देते हैं। ये तो गौरी के पंख हैं, चील ने उसे मार दिया। अब अपने बेटे से क्या कहूँगा, उसकी माँ को चील खा गई। अपनी पत्नी की मौत पर कालू कौवा बहुत दुखी होता है और उसके पंखों को समेट लाता है। पंख देखकर चिड़िया तो समझ जाती है। पापा मम्मा कहाँ हैं? आप मेरी मम्मा को साथ क्यों नहीं लाए? छोटे बच्चे आपकी मम्मा अपनी माँ के घर चली गई हैं, वो कुछ दिनों में आ जाएंगी, आप तब तक पापा के साथ रहें। कालू कौवा अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, मगर वो खामोश था। चिड़िया भी अपने आंसू छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे का बेटा हर रोज अपनी माँ का इंतजार करता, वो कालू से बार बार पूछता और कोई जवाब न मिलने पर खूब रोता। दोस्तों मेरा बेटा अपनी माँ याद कर करके रोज रोता है, मुझसे बार बार पूछता है, मैं क्या बोलूं, उसकी माँ तो मर गई है। कालू ऐसा कहर दुश्मन पे भी न बीते, हम समझ सकते हैं, उस छोटे से बच्चे का क्या दुख है, माँ के बिना जीवन अधूरा है और वो तो अभी 4 दिन का है। कालू मेरी नज़र में एक कवि है, उसका पहले पति से तलाक हो गया, अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो उसे भी घर और आपके बेटे को माँ मिल जाएगी। नहीं नहीं कालू भैया, आप दूसरी शादी ना करें, सौतेली माँ जग्गू बेटे से कभी सच्चा प्यार नहीं करेगी और उसकी जिंदगी अब से भी खराब हो जाएगी। चिड़िया हर कोई एक जैसा नहीं होता, अभी जग्गू को माँ की देखभाल की बहुत जरूरत है, वो कालू से नहीं होगी। कालू कौवा दोनों की बात सुनता है, उसे मिट्ठू की बात सही लगती है और वो शादी के लिए मान जाता है और दूसरे दिन मुन्नी कवि से शादी करके उसे घर ले आता है। मिट्ठू दोस्त पहले तूने बताया नहीं, मुन्नी का एक बेटा भी है। कालू मैं भूल गया था, और वैसे भी तुम्हारा भी तो एक बेटा है, जैसे मुन्नी इसका ख्याल रखेगी तो तुम भी मुन्नी के बेटे को अपना बच्चा समझो, अब इसमें बुरा ही क्या है, सब ठीक तो है। ये बोलकर मिट्ठू तोता तो अपने घर चला जाता है। कौवा थोड़ा परेशान था। चिड़िया अब तुम भी अपने घर चली जाओ, पूरी रात यहीं रहोगी क्या? हाँ हाँ मुन्नी मैं जा ही रही हूँ, जग्गू बेटे का ध्यान अपने बेटे की तरह रखना। ये कुछ ही घंटों का था जब अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे माँ की कमी कभी ना होने देना। इतना बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पति जी ये चिड़िया कौन थी, आज के बाद ये घर ना आए, बोल देना इससे मुझे ये पसंद नहीं। ऐसे मुन्नी कवि अपने बेटे के साथ घोंसले में सो जाती है। जग्गू कौवा उसके पास जाकर कहता है, मम्मा मैं भी आपके पास सोऊंगा, मुझे भी अपने पास सुला लो। नहीं जग्गू ये घोंसला बहुत छोटा है, तुम वहीं सो जाओ, उतरो यहाँ से। फिर कालू कौवा जग्गू को अपने पास बुलाता है, वो तो हैरान था और चिड़िया की बात को याद करके सोच रहा था। शायद चिड़िया ठीक बोल रही थी, ये मुन्नी मेरे जग्गू को माँ का प्यार नहीं देगी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी दूसरी शादी करके। ऐसे कालू कौवा रात भर सोचता है और ठीक से सो भी नहीं पाता। सुबह हो जाती है, वो जल्द ही भोजन की खोज को चला जाता है। जग्गू चल उठ, अब सुबह हो गई है, कब तक सोएगा, ये ले मटके में पानी भर ला, अब तो बड़ा हो गया है। जग्गू कौवा तो मटका लेकर नदी पे चला जाता है। उसके जाते ही चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। मुन्नी बहन जग्गू कौवा कहाँ है, मैं उसके लिए मीठी भात लाई हूँ, उसे बहुत पसंद है। चिड़िया जग्गू बेटा अभी सो रहा है, जब नींद से जाग जाएगा तो मैं खिला दूंगी, आप ये भात मुझे दे दें। चिड़िया वो भात कौवे को देकर चली जाती है। तभी
ही उसे जग्गू कौवा पानी लाता दिखाई देता है। वो तो भारी मटका लेकर ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। चिड़िया भागकर उसे संभाल लेती है। जग्गू बेटे, ये कितना भारी है, आपको किसने बोला ये भारी मटका उठाने के लिए? माँ ने बोला, नदी से पानी भर के ला। चिड़िया आंटी, आपको एक बात बताऊं, ये मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती, मेरी माँ गोरी कब आएगी? चिड़िया उसे कुछ नहीं बोलती, वो उसका मटका खुद उठाकर उसे घर छोड़ने जाती है। मुन्नी कवि तो चिड़िया को जग्गू के साथ देखकर चुप हो जाती है। मुन्नी कवि, जग्गू से बड़ा तो आपका बेटा है, उससे काम करवाओ, ये तो बेचारा अभी बहुत छोटा है। चिड़िया, मैं इसकी माँ हूँ, तुम नहीं, इसलिए अपने काम से काम रखो, ज्यादा ताका झाकी मत करो। अब जाओ यहाँ से, मैं अपने बच्चों का भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। मुन्नी के ये बोल सुनकर चिड़िया भी दंग रह जाती है, वो उदास मन से चली जाती है। कुछ देर बाद कालू कौवा घर आता है, वो दो तरह का भोजन लाया था। मुन्नी कवि सूखा दाना जग्गू को दे देती है और पका हुआ आम अपने बेटे को। ये देखकर कालू की आँख फटी की फटी रह जाती है। मेरे बेटे को सूखा दाना दिया और पका आम अपने बेटे को, यही देखने के लिए मैं दो तरह का भोजन लाया था, तुम तो बहुत बुरी हो, मेरे बेटे की जिंदगी नरक बना दोगी। नहीं नहीं कालू कव्वे जी, आप ऐसा ना कहें, जग्गू को सूखा दाना पसंद है, इसलिए तो मैंने दिया, वरना मुझे क्या जरूरत थी। मुझे सब पता है, तुरंत के तुरंत बाहर निकलो मेरे घर से, मैं अपने बेटे का ध्यान खुद रख लूंगा। ऐसे बोलकर कालू कव्वा उसका सामान बाहर रख देता है। मुन्नी को घर से बाहर देखकर चिड़िया तो बहुत खुश होती है। कालू भैया, आपने एकदम ठीक किया कि मुन्नी कवि बहुत बुरी थी, मैं हूँ ना जग्गू बेटे का ध्यान मैं रखूंगी, गोरी नहीं है तो क्या हुआ, वो मेरी सहेली थी। ऐसे मुन्नी कवि को घर से भगा दिया जाता है। अब से चिड़िया जग्गू कव्वे का ध्यान रखने लगी थी, वो जो भी खाना बनाती जग्गू के लिए पहले देकर जाती। ऐसे जग्गू कव्वा थोड़ा बड़ा हो जाता है और खुद से अपना ख्याल रखना सीख जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने 5 अंडे दिए थे, वो दोनों माता पिता अपने 5 अंडों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते। अंडे के पापा, हमारे 5 बच्चे होंगे, जब वो अंडों से बाहर निकलेंगे तो उनके लिए ढेर सारा भोजन चाहिए होगा, फिर आप एकदम से कहाँ से लाएंगे? हाँ रानो जी, मेरे बेटे ये सूखा दाना नहीं खा पाएंगे, मैं अपने लाडलो के लिए अभी से मीठा दाना कमाऊंगा। अंडे के पापा, हमारे अंडों से लाडली बेटियां भी तो हो सकती हैं, बेटे ही क्या? चुप कर जाओ, जब भी बोलती हो मनहूस बातें ही निकलती हैं तुम्हारे मुंह से। अभी तक हमारे खानदान में किसी के भी अंडे से बेटी चिड़िया ही नहीं निकली, हमारे भी अंडों से बेटे ही होंगे। ऐसे बोलते हुए पापा चिड़ा भोजन खोजने बाहर चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो हैरान थी, बेटा बेटी दोनों ही एक समान होते हैं, फिर टुन्नू जी को बेटियों से नफरत क्यों? मैं बाद में बात करूंगी, अभी उनका दिमाग बहुत खराब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, टुन्नू भी अंडों से बेटे चिड़े निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानो, बड़े ताऊ जी के 7 बेटे थे, उन सब की शादी हो गई और अब सबके 4-4 बेटे हैं, बेटियों का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं। टुन्नू जी, शायद उनकी किस्मत में बेटियों का सुख ही नहीं होगा। बेटियां भी कोई सुख देती हैं, जो भी करते हैं बेटे ही करते हैं। टुन्नू जी, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, जरूरी है बेटी भी? हमारे लिए कोई जरूरी नहीं, मेरे चाचा नाना ताऊ और तो और मेरे दोस्तों को भी बेटी नहीं है, तो हमें कैसे होंगी, मेरे भी 5 बेटे ही होंगे। टुन्नू ये सब बातें बोलकर जाने ही वाला था, चिड़िया के सब्र का बांध टूट जाता है। टुन्नू जी, अगर अंडों से बेटियां हो गई तो आप क्या करोगे? टुन्नू चिड़े को तो रानो की बात पर बहुत गुस्सा आता है, वो अपना थप्पड़ उठाने ही वाला था, तभी 5 अंडे टूट जाते हैं और सब अंडों से बेटे चिड़े बाहर आते हैं। टुन्नू तो खुशी से झूम जाता है। मुझे 5 बेटे हो गए, वाह वाह क्या बात है, एक भी चिड़िया नहीं निकली। देखो रानो, तुमने क्या बेटे बेटी की रट लगा रखी थी, मगर मैंने भी कहा था ना, पूरे खानदान में अभी तक बेटी नहीं हुई। टुन्नू चिड़ा
खुशी से घर घर मिठाई बांटता है, खुशियाँ मनाता है। रानो भी अपने बेटों से खूब लाड प्यार करती, उन्हें अच्छी सीख देती। समय गुजरता गया, बेटे चिड़े जवान हो जाते हैं। अब रानो और टुन्नु चिड़ा बूढ़े होने लगे थे। टुन्नु जी, अब हम पे बुढ़ापा आने लगा है और हम कितने कमजोर हो गए हैं, तो क्यों ना अपने पांचों बेटों की शादी कर ले। पांच पांच बहुएं आएंगी तो हमें आराम मिलेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो हम बेटों से बात करते हैं और अच्छी बहुओं की तलाश करते हैं जो बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेंगी। अपने बेटों से बातें कर टुन्नु चिड़ा लड़के पक्षियों की तलाश करता है। टुन्नु चिड़ा कालू कौवे बिचौलिए के घर जाता है। टुन्नु चिड़े पांचों बेटों की शादी एक साथ करेगा? हाँ कालू दोस्त, महंगाई का जमाना है, बार बार कहाँ से खर्चा करूँगा, इसीलिए सोचा है एक ही साथ सबकी शादी कर दूँ। वो सब तो ठीक है, मगर चार, मेरी नजर में तो एक भी चिड़िया पक्षी नहीं है। मेरे पास कई सारे लड़के पक्षियों के रिश्ते हैं। क्या कहा, एक भी लड़की पक्षी का रिश्ता नहीं है? हाँ यार, मेरी नजर में एक भी नहीं है। आप किसी और के पास जाएं, शायद वहाँ बात बने। फिर टुन्नु चिड़ा दूसरे जंगल जाता है, मगर वहाँ भी उसे लड़की पक्षी का रिश्ता नहीं मिलता। पता नहीं भाई, मेरे पास सब लड़के पक्षियों के रिश्ते पड़े हैं, लड़की पक्षी वाले तो आते ही नहीं। आप कहीं और जाएं, मेरे पास काम नहीं बनेगा। ऐसे टुन्नु चिड़ा कई जंगलों में जाता है, मगर उसे अपने बेटों के लिए कोई रिश्ता नहीं मिलता। कबूतर भाई, इसका मतलब मेरे बेटे कुआरे रहेंगे? आखिर लड़की पक्षी कहाँ गायब हो गईं? भाई साहब, अब क्या ही बताएं, लेकिन बात तो मुद्दे की है, क्योंकि अब कोई भी पक्षी बेटी करने को तैयार ही नहीं। सब अपने घर में बेटा चाहते हैं, बेटी वाले अंडों को फोड़ देते हैं, तो बेटियों का अकाल पड़ना ही था। ये नौबत तो एक दिन आने ही वाली थी। टुन्नु चिड़े को कबूतर की कही बातें बिल्कुल सही लगती हैं। वो हार थक कर शाम होने पर अपने घर आता है। टुन्नु जी, आपने तो पूरा दिन ही निकाल दिया, लगता है आज पांचों बेटों का रिश्ता पक्का करके ही लौटे हैं। मुझे मेरे होने वाली बहुओं की तस्वीर तो दिखाएं, कैसी हैं मेरी बहुएं? रानू जी, आप बिल्कुल ठीक बोलती थी, बेटियां होना हर घर में जरूरी है, क्योंकि बेटी सच में लक्ष्मी होती है, जो कि मेरे घर में नहीं है और बहुओं के रूप में भी नहीं मिली। बहुत जगह घूमा। मतलब क्या है आपका टुन्नु जी, साफ साफ कहें। रानो, मैं 2500 गांव में घूमा हूँ, मगर कहीं भी लड़की पक्षी नहीं मिली। ये तो एक दिन होना ही था, सब बेटा बेटा ही तो चाहते हैं, मगर ये नहीं जानते बेटों के लिए जो बहुएं लाते हैं वो भी तो किसी के घर की बेटियां ही होती हैं। पर अपने घर में लड़की पक्षी होने से पता नहीं क्यों डरते हैं। हाँ रानो, मैं सब समझ गया, अगर सब बेटे ही करेंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे, और बेटियों के बिना तो ये संसार अधूरा है। हाँ टुन्नु जी, बेटियों को यूं ही थोड़े ना लक्ष्मी बोलते हैं, शादी से पहले अपने घर की रौनक बढ़ाती हैं और शादी के बाद पति के घर को संभालती हैं, फिर एक माँ के रूप में अपने बच्चों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी बिता देती हैं। तो हर माता पिता के लिए बेटी होना बहुत नाज की बात होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, बेटा बेटी दोनों को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि बेटियां ही हमारे देश को आगे बढ़ाती हैं। आपका धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।